अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वी यू लर्निंग जोन। आज हम इंग्लिश 101 की प्रिपरेशन करेंगे फाइनल्स के लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी फ़ाइनल्स के लिए अच्छी प्रिपरेशन हो सके। और उसके साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वी यू लर्निंग जोन, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम से क्यों हमारे पास कौन सा है, अ कम्प्लेक्स सेंटेंस इज करेक्टराइज बाय व्हाट? ऑप्शन सी, एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इज अ टेक्निक टू अवॉइड फ्यू सेंटेंस। ऑप्शन डी, स्प्लिटिंग द सेंटेंस हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है, अ सेंटेंस इज फ्रेगमेंटेड व्हेन इट लैक्स अ सब्जेक्ट और वर्ब। ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ऑलमोस्ट एवरी वन लव स्वीट स्पेशली चॉकलेट, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस। ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ऑलमोस्ट एवरी वन लव स्वीट स्पेशली चॉकलेट्स। ऑन हर वे टू होम जैन फाउंड अ गोल्ड मैन वॉच, हर गोल्ड मैन वॉच इज। ऑप्शन ए मिसप्लेस्ड मॉडिफाइड हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स वी शुड नॉट ईट बिटवीन मेल्स प्रेपोजिशन। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन। दोज थॉट्स शुड बी अरेस्टेड, दे विल कंटिन्यू टू टेररइज द रेजिडेंस। ऑप्शन डी और हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आर। ऑल्दो इट वॉज गुड एंड द रेन वॉज गेटिंग हैवियर, वी डिसाइड टू गो फिशिंग एज प्लान, फिनिशिंग एज प्लान। ऑप्शन सी कम्प्लेक्स हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है, चूज द करेक्ट टाइप ऑफ सेंटेंस। आई विल हेल्प यू इफ़ यू हेल्प मी। ऑप्शन बी कम्प्लेक्स हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है, ऑफ मॉडिफायर्स मे लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द रीडर्स। ऑप्शन बी मिसप्लेसिंग हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा एमसीक्यूज है, ही लेफ्ट अर्ली, ही सेड ही हैड अ टॉर्च हेड, द कंस्ट्रक्शन इज। ऑप्शन ए फ्यूज्ड हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। विच सेंटेंस इज अ सिंपल सेंटेंस, द फर्स्ट अलार्म साउंडेड। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, अ सेंटेंस दैट हैज़ यूनिटी इज कंसीडर एज। ऑप्शन डी गुड हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन। आई दैट यू विल बी एबल टू फ्लाई जस्ट बाय फ्लैपिंग योर आर्म्स। ऑप्शन ए डाउट हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ अ फ्यू सेंटेंस, टॉम रीड द नॉवल, हिज फ्रेंड वॉच द मूवी। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है, मोस्ट सेंटेंस फेस नो डिफिकल्टीज इन मेकिंग। तो ऑप्शन बी सिंपल सेंटेंस हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। चूज द वर्ब दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट, ईच ऑफ द गर्ल्स क्वालिफाइड फॉर द प्राइज इज। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट, बी जे ऑथर ऑफ क्लॉज द बेस्ट रिटन नॉवल ऑफ द डाइस्टर जेनर विल स्पीक एट टू नाइट, हाउ आई बिकम एन ऑथर मीटिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज वैल्यूएबल। ऑप्शन ए बेस्ट हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। द वुमन विद गोल्ड रीम्ड इज माई बॉस, विद गोल्ड रीम इज अ इन दिस सेंटेंस मॉडिफायर। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। वी टुक आवर विंड ब्रेक जैकेट्स, द वेदर वॉज चिली। ऑप्शन ए सिंस हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम रिटर्निंग द जैकेट टू द स्टोर, दैट इज़ टू स्मॉल। द एक्सप्रेशन दैट इज़ टू स्मॉल इज अ मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एटिनम ऑफ करेक्ट। ऑप्शन ए राइट हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट इन फेवर ऑफ ट्रिप। ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। आर चूज द करेक्ट ऑप्शन, अ वार्म स्वेटर एंड ओन अम्ब्रेला नेसेसरी फॉर अ समर ट्रिप टू इंग्लैंड। आर ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देख लेते हैं,
दिस इज़ माई वेकेशन प्लान, आई एम गोइंग टू सैन फ्रांसिस्को फॉर अ वीक. ऑप्शन सी फाइनल हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास है एवरीबडी इन दिस क्लास हैज़ कम्प्लीटेड होमवर्क ऑलरेडी. ऑप्शन बी देयर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. दिस इज़ द मैटर फॉर यू एंड टू डिसाइड मी. ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. यू कैन ब्रिंग अ लाउंज ऑन बोर्ड, यू गेट सी सिक. ऑप्शन बी अनलेस हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट देख लेते हैं. अ सेंटेंस दैट हैज़ यूनाइटी इज कंसिडर एज. ऑप्शन ए गुड हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट विच सेंटेंस इज कंपाउंड सेंटेंस. व्हेन बॉडी सा अ रेन बॉय ही रेन टू गेट हिज कैमरा एंड द रेन बॉय डिसअपीयर्ड. ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. देन नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन. रहील लाइक्स टू कुक हिज वाइफ टॉच हिम हाउ. ऑप्शन बी फ्यूज सेंटेंस हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. चूज द ऑप्शन विच बेस्ट डिस्क्राइब द क्लॉज इन द इन्वर्टेड कॉमास. इफ मैरी कम्स टू क्लॉज लेट आई विल टेल हर द असाइन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज. ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. अ गुड सेंटेंस मस्ट एक्सप्रेस वन मेन आइडिया एंड यूनाइटी. ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट द सोल्व द मेज थॉम्स हैड टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स विच वॉज नॉट ईजी फॉर दैम. टू करेक्ट दिस सेंटेंस दैम शुड बी रिप्लेस्ड बाई हिम. ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. द वूमन विद गोल्ड रीम इज माई बॉस विद गोल्ड रीम स्पेक्टर्स इज अ. ऑप्शन डी मिसप्लेस्ड मॉडिफाइड हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट है अ कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस इज करेक्टराइज बाय व्हाट. एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लाजेज एंड एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लाज. ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल सेंटेंस. जैक डिड अ यू टर्न. ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है. देन नेक्स्ट ड्यूरिंग द ईयर ऑफ आवर एक्वाइटनेस आई हैव नो कैथरीन इन मैनी कैपेसिटीज. हेयर एक्विटेंस मीन्स. ऑप्शन डी फेमिलरिटी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. एवरीबडी इन दिस क्लास हैज कम्प्लीटेड होम वर्क ऑलरेडी. ऑप्शन डी देयर करेक्ट ऑप्शन है. रीड द सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. इमेजिन वट इट वुड बी लाइक टू फ्लाई इन आउटर स्पेस. डिक्लेरेटिव. ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन. दोज थिंग्स शुड बी अरेस्टेड. दे विल कंटिन्यू टू टेररिस्ट द रेजिडेंट हेयर. ऑप्शन डी ऑफ हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. चूज द करेक्ट ऑप्शन. ऑल्थो इट वॉज कोल्ड एंड द रेन वॉज गेटिंग हैवियर वी डिसाइडेड टू गो फिनिश एज प्लान. ऑप्शन सी कम्प्लेक्स करेक्ट ऑप्शन है. of modifier may lead to misunderstanding on the part of the reader. option b hamare paas correct option hai. misplacing a sentence that has unity is considered as. option d good correct option hai. which sentence is a simple sentence. option b correct option hai. he left early. he said he had a. द कंस्ट्रक्शन इज ऑप्शन ए फ्यूज्ड हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन. आई डाउट दैट यू विल बी एबल टू फ्लाई जस्ट बाय फ्लैपिंग योर आर्म्स. ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. मोस्ट स्टूडेंट्स फोर्स नो डिफिकल्टी इन. ऑप्शन बी सिंपल सेंटेंस हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्यूज सेंटेंस. ऑप्शन सी टॉम रीड द नॉवल हिज फ्रेंड वॉच हिज मूवी. ईच ऑफ द गर्ल्स क्वालिफाइड फॉर द प्राइज. ऑप्शन बी इज हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. वी टू कवर विंड ब्रेकर जैकेट्स द वेदर वॉज चिली. ऑप्शन ए सिंस करेक्ट ऑप्शन है. देन नेक्स्ट बी जे ऑथर ऑफ क्लॉज द बेस्ट रिटन नॉवल ऑफ द डिसेटर जनर विल स्पीक ऑफ टू नाइट हाउ आई बिकम एन ऑथर मीटिंग. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज वैल्यू वर्ड. ऑप्शन ए बेस्ट हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है.
मोस्ट स्टूडेंट फोर्स नो डिफिकल्टी इन मेकिंग सिंपल सेंटेंस, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है. द वूमन विद गोल्ड रीम्ड इज माई बॉस विद गोल्ड रीम्ड इज अ इन दिस सेंटेंस. ऑप्शन सी मॉडिफायर करेक्ट ऑप्शन है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एटीनोमियन ऑफ एक्सेप्ट. ऑप्शन ए राइट करेक्ट ऑप्शन है. अ कम्प्लेक्स सेंटेंस इज करेक्टराइज बाय वट. एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लाज एंड एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लाज. ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है. ऑलमोस्ट एवरी वन लव स्वीट एस्पेशली चॉकलेट्स. चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस. तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. ऑलमोस्ट एवरी वन लव स्वीट्स एस्पेशली चॉकलेट्स. आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स वी शुड नॉट ईट बिटवीन मेल्स. ऑप्शन बी प्रपोजिशन करेक्ट ऑप्शन है. आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड वी शुड नॉट ईट बिटवीन मेल्स. ऑप्शन बी प्रपोजिशन करेक्ट ऑप्शन है. अ सेंटेंस इज फ्रेगमेंटेड व्हेन इट्स लाइक अ सब्जेक्ट और वर्ब. ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. आई एम रिटर्निंग द जैकेट्स टू द स्टोर दैट इज टू मच स्मॉल. द एक्सप्रेशन दैट इज टू मच स्मॉल इज अ मिसप्लेस्ड मॉडिफायर. ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास है मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट इन फेवर ऑफ ट्रिप. ऑप्शन डी आर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. चूज द करेक्ट ऑप्शन. अ वार्म स्वेटर एंड एन अम्ब्रेला नेसेसरी फॉर अ समर ट्रिप टू इंग्लैंड. ऑप्शन डी ऑप्शन बी आर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एटिनम ऑफ करेक्ट. ऑप्शन ए जो है राइट वो करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास है इज अ टेक्निक टू अवॉइड फ्यूज सेंटेंस. तो ऑप्शन ए हमारे पास है रीडिंग. ऑप्शन बी हमारे पास है कॉमा स्पेस. तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है स्प्लिटिंग द सेंटेंस. ऑन हर वे टू होम जॉन फाउंड अ गोल्ड मैन वॉच. हेयर गोल्ड मैन वॉच इज मिसप्लेस्ड मॉडिफायर. ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. अ सेंटेंस दैट हैज़ यूनिटी इज कंसीडर एज. ऑप्शन ए गुड. ऑप्शन बी कम्प्लेक्स. ऑप्शन सी बैड. ऑप्शन डी जो है वो नेचुरल. तो ऑप्शन ए जो गुड है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास है यू कैन ब्रिंग अ लंच ऑन बोर्ड यू गेट सी सिक. ऑप्शन ए जो है एज लॉन्ग एज. ऑप्शन बी जो है अनलेस. और ऑप्शन सी जो है वो प्रोवाइडिंग दैट. ऑप्शन सी बी जो है अनलेस वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. विच सेंटेंस इज अ कंपाउंड सेंटेंस. वेन बॉडी सॉ अ रेन बॉय ही रैन टू गेट हिज कैमरा एंड द रेन बॉय डिसअपीयर्ड. ऑप्शन ए है. नेक्स्ट हमारे पास है टेरी सीम अनफ्रेंडली. ऑप्शन बी जो है द रूम इज पॉइंटेड येलो एंड इट हैज़ बिग विंडो. द बुक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. तो ऑप्शन ए जो है वेन बॉडी वॉज सा अ रेन बॉय ही रेन टू गेट हिज कैमरा एंड ही रेन बॉय डिसअपीयर्ड. ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास है दिस इज़ अ मैटर फॉर यू एंड टू डिसाइड. ऑप्शन ए मी. ऑप्शन बी माई सेल्फ. ऑप्शन ए आई. और ऑप्शन डी जो है माई. तो ऑप्शन ए मी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. स्टेटमेंट क्या है. दिस इज़ अ मैटर फॉर यू एंड मी टू डिसाइड. This is my vacation plan. I am going to San Francisco for a week. Option A finally. Option B finalize. Option C final. और option D जो है final too. तो option C जो है वो correct option है final. This is my final vacation plan. I am going to San Francisco for a week. Next हमारे पास है everybody in this class has completed homework. Already. ऑप्शन ए themselves है. ऑप्शन बी देयर है. और ऑप्शन सी yours है. और ऑप्शन डी जो है वो his her है. तो ऑप्शन बी देयर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. इसको अब हम यहाँ पे पुट करेंगे. एवरीबडी इन दिस क्लास हैज़ कम्प्लीटेड आवर होम वर्क ऑलरेडी. दिस इज़ अ मैटर फॉर यू एंड टू डिसाइड. ऑप्शन ए मी. ऑप्शन बी माई सेल्फ. एंड ऑप्शन ए आई. तो ऑप्शन ए जो है मी करेक्ट ऑप्शन है. दिस इज़ अ मैटर फॉर यू एंड मी टू डिसाइड. आगे हमारे पास जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है. मैं आपको डेफिनेशन का नाम बोलती जाऊंगी. आपने जो है वो नीचे से डेफिनेशन खुद याद करनी है. डिफाइन चौपी सेंटेंस. इसमें चौपी सेंटेंस को आपने डिफाइन करना है. चौपी सेंटेंस क्या होते हैं.
इसकी आगे टू एग्जांपल्स भी हैं, चॉपी और रिवाइज्ड। आगे पर्पस स्टेटमेंट के, स्टेटमेंट का पर्पस क्या होता है। आगे डिफाइन विजुअल एड्स एंड बिब्लोग्राफी। इसमें क्या कह रहे हैं कि आपने विजुअल एड्स को डिफाइन करना है, और बिब्लोग्राफी क्या होती है ये भी आपने बताना है। पंक्चुएशन सेंटेंस के, पंक्चुएशन सेंटेंस कौन से होते हैं और क्या होता है। डिफाइन मॉडिफायर, मॉडिफायर को डिफाइन करना है। नेक्स्ट हमारे पास है वैग्यू लैंग्वेज डेफिनेशन। वैग्यू लैंग्वेज की डेफिनेशन आपने याद करनी है। कॉमस पाइल्स, कॉमस पाइल्स क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपने इसको अच्छे से याद करना है। पार्ट्स ऑफ प्रपोजल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग के हवाले से के पार्ट्स लिखे प्रपोजल के। फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स एंड इट्स क्राइटेरिया, क्या कह रहे हैं कि फिजिबिलिटी की जो रिपोर्ट्स हैं वो और इसका क्राइटेरिया क्या है वो बताएं। क्राइटेरिया क्या होता है वो भी इन्होंने नीचे बताया हुआ है। सेंटेंस फ्रैगमेंट, सेंटेंस फ्रैगमेंट क्या होता है। यूनाइटी ऑफ पैराग्राफ, यूनाइटी ऑफ पैराग्राफ क्या होता है। प्रपोजिशन, प्रपोजिशन की डेफिनेशन आपने याद करनी है। ऑर्गेनाइजेशन मेथड ऑफ ईजी, ऑर्गेनाइजेशन का मेथड जो है वो आपने बताना है। ट्रांजिशन वर्ड, ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ रन ऑन सेंटेंस। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूज सेंटेंस, फ्यूज सेंटेंस कौन से होता है। कॉमा स्पाइल सेंटेंस ये कौन से होते हैं ये आपने बताना है। हाउ टू डेवलप राइटिंग स्किल्स, क्या आप राइटिंग की स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं। नेम फाइव कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज़ यूज्ड फर्स्ट लैंग्वेज, तो कौन कौन सी है। यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। आगे हमारे पास है व्हाट इज़ द एम ऑफ फ्रेंच एकेडमी, कि फ्रेंच एकेडमी का एम क्या है, उनका मकसद क्या है। कॉमस पाइल एरर, कॉमस पाइल में एरर क्या होता है। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या होती है। पैराग्राफ और पैराग्राफ क्या होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है रन ऑन सेंटेंस। फ्रैगमेंट सेंटेंस क्या होते हैं। डिफाइन ट्रांजिशनल सिग्नल एंड मेक टू सेंटेंस आर फेरस एज एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिशनल सिग्नल। एग्जाम्पल बेस फॉर्म वर्ब ऑफ वर्ब विथ एग्जाम्पल। रोल ऑफ कोहेरेंस इन इफेक्टिव सेंटेंस के, कोहेरेंस का क्या इफेक्ट होता है। बर्ड्स आई व्यू और पैजिटर व्यू। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंग्लिश 101 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आ गई होगी, लेक्चर की समझ आ गई होगी। और उसके साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वीयू लर्निंग जोन, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नए आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच।